नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। आदर्श नगर पंचायत सलेमपुर प्रत्याशी के रूप में समाज सेवी अश्वनी पांडे भी सामान्य सीट में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित ही ये सीट में जीत कर विकास के आईने को मजबूत करूंगा। मैं सलेमपुर में पुस्तकालय, पत्रकार भवन, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य, पानी, बिजली की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, सलेमपुर में योग शिविर, विवाह भवन और विकास की नई दिशा दूंगा। शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सलेमपुर नगर के मूल निवासी हैं और यहीं पैदा होकर यहीं जवान हुए हैं। सलेमपुर टाउन एरिया की दुर्दशा अभी तक के जनप्रतिनिधियों ने जिसके साथ छल कपट किया, उससे तंग आकर योगी मोदी की ईमानदारी और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं चुनाव लड़ने का संकल्प लिया हूँ। सलेमपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जल निकासी की है, दूसरी समस्या यहाँ बिजली फॉल्ट की है, तीसरी समस्या जाम की है। ये जो अवैध वाहन जहाँ तहाँ जैसे तैसे ये उनका दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष। व्यवस्था सुचारू कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें सही हो जाए। लोग यहाँ के अनुशासित हैं, लोग यहाँ के सही हैं, बस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। जनता से यही कहेंगे कि आपने बहुत प्रयोग किया, एक बार और प्रयोग कीजिए। मेरा बोर्ड लगा था नया सवेरा, कुछ नई सोच, कुछ नए उसके साथ आप आइए, इसके उम्मीद में मैं जनता के बीच हूँ। अश्वनी पाड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद।